Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. आप सभी दर्शकों का वाईएनडी न्यूज में स्वागत है। मीरा भाईंदर में स्थित नया नगर इलाके में एक दो साल से बंद पड़े सड़क को लेकर दो कांग्रेसी नगर सेवक आपस में ही भिड़ गए। आइए जानते हैं कि पूरी घटना क्या है और सायरा अकरम का क्या कहना है। मामला है सायरा जी, आप नया नगर पुलिस स्टेशन पे आई हैं, आपने शायद कुछ कम्प्लेन किया, ये पूरा मामला क्या है? ये NC लिखाई है मैंने, ये पूरा मामला मैं अभी आपको बताऊंगी। आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है, मैं बहुत बारिश हो रही थी, उसमें भी मैं जो झाड़ों की छाटनी करने के लिए अपने वार्ड में बाहर निकली थी और ये मेरा काम देख के लोगों के बिल्डिंग के लोग सब नीचे आए थे मेरा स्वागत करने के लिए कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इतनी बारिश में भी आप जो हैं लोगों की इतनी सेवा कर रही हैं। पर उनका एक तकरार था कि अजीज़िया मदरसा जो है उसके बाजू में एक टपरी है, वो आज 2 साल से बंद पड़ी थी। वो टपरी जब दी हुई थी तब थोड़े दिन चली, उसके बाद 2 साल हो गए आज वो टपरी बंद पड़ी है। उसके आड़ में जो है लड़के वहाँ पे खड़े रह के गलत गलत काम करते हैं, सिगरेट पीते और क्या क्या पीते, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कभी लड़कियाँ भी आके खड़ी हो जाती है वहाँ पर चोर भी आके खड़े हो जाते हैं। एकाध हादसा ऐसा भी हो गया है कि वहाँ पर एक चोर ने एक लेडीज़ की चेन स्नैश कर ली है, ये भी रिपोर्ट यहाँ पर लिखी हुई है। तो उनका ये था मांग कि आप मैडम ये टपरी यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये 2 साल से बंद पड़ी हुई है। तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह मैं ये बहुत जल्दी कर दूंगी। आज सुबह की बात है, आज सुबह मैं अपने प्रभाग नंबर 5 के जो अधिकारी हैं प्रकाश पाटिल, उनके साथ और उनके सब काम कर्मचारियों के साथ में वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँची। वहाँ पे हम लोगों ने टपरी उठा ली। टपरी उठाने के बाद में जब टपरी उठा के ऑन द वे थे हम, उस बीच जुबेर इनामदार का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को, ये बोलते हुए कि आपने हमारी टपरी क्यों हटाई। फिर भी हमने उनका कोई जवाब नहीं देते हुए हम जो अपने आगे काम के लिए बढ़ गए, लोधा की तरफ गए हम वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए। लोधा पे भी हमारी कार्रवाई चालू थी तो वहाँ पे हम पहुँचे तो ये बंदा जिसकी टपरी थी ये बंदा हमें फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो फिर प्रकाश पाटिल के पास गया और उसने कहा कि जुबेर इनामदार ने कहा है कि आप जो है वो टपरी वापस दे दीजिए। 2-3 बार कहने के बाद प्रकाश पाटिल ने फिर मेरे पास आए वो कि मैडम वो ऐसा बोल रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप जाके जो है प्रभाग अधिकारी से बात कीजिए, प्रभाग में जाके मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ इस मामले में। ये बात होने के बाद हम वहाँ पे अपनी कार्रवाई में लग गए और फिर जब वो बंदा अपनी रिक्शा लेके जा रहा था वापस तो उसने जाते जाते मुझसे कहा ये जो दादागिरी आप कर रही हो ना ये आपको बहुत भारी पड़ेगी। मतलब ये ऐसा हो गया है कि मैं तो लोगों के हित में काम कर रही हूँ, जो पब्लिक जिन्होंने मुझसे इस चीज़ की दरख्वास्त की थी कि मैडम आप हमारे लिए टपरी हटाएं, मैं उनके लिए वो काम कर रही हूँ, तो ये बंदा मुझे जो है आगे से थ्रेटनिंग देके जा रहा है कि आप जो है इस चीज़ को आपने ये हटाया तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपको नतीजा क्या मिलेगा। मैंने मेरा काम किया है प्रशासन को लेकर और फिर उसके बाद ये जब वहाँ पर लेके चले गए टपरी ब्रिज के नीचे तो 3-4 बंदे वहाँ पर आकर टपरी उन्होंने फिर उठा ली। वहाँ से आप बोल सकते कि वहाँ से चोरी कर ली टपरी। मैंने सबको फोन करके सबको बता दिया है, मुजफ्फर साहब का फोन लगा नहीं और मम्मी जी को इस चीज का मालूम है और खुद जुबेर इनामदार को मैं 4 से 5 फोन कर चुकी हूँ पर वो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। अब जब वो फोन रिसीव ही नहीं कर रहे हैं तो किससे डिस्कशन होगा फिर? ये नहीं, ये पार्टी में गलत मैसेज नहीं जाएगा और इंशाल्लाह ये मैं जो कर रही हूँ मैं किसी के हित में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम जनता जो हमारे वोटर्स हैं जो हमारी आम पब्लिक है उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। मैं किसी नेता के जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी के नेता इतने समझदार हैं और उनको भी अगर उन्होंने भी किसी ने साथ दिया है तो ऐसा नहीं देना चाहिए क्योंकि जो नियम है वो नियम सबके लिए एक ही नियम है। जी हाँ, उनको भी उन्होंने बहुत बुला बरा कहा है, वो भी अपनी NC और FIR लिखाने गए हुए हैं भाईंदर पुलिस स्टेशन।
अच्छा वो भाईंदर पुलिस स्टेशन गए? जी हाँ, क्योंकि उनका जो हादसा हुआ वो भाईंदर ब्रिज के नीचे हुआ हुआ है। अभी आप क्या आगे की क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मेरी यही मांग है, मैंने भरवे साहब से ये कहा और भरवे साहब ने मुझे ये आश्वासन भी दिया है कि मैडम उस बंदे को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और उसने ये चीज़ क्यों की है, किसके बोलने पे की है, ये सब चीज़ जो है वो आदमी आके खुद ही आपके सामने ही बोल देगा। आइए जानते हैं कि दूसरे पक्ष जुबेर जी का क्या कहना है। जुबेर नामदार जी, ये जो विवाद खड़ा हुआ है एक तकरी को उठाने को लेकर, और इसमें आप ही के पैनल के नगर सेवक का सारा क्रम जी ने आज एक एंट्री लिखाई है नगर पुलिस स्टेशन, क्या मामला है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार मित्रों के माध्यम से मुझे हकीकतन ये मामला मेरे सामने आया है, इसलिए मैं बहुत कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि जब तक मुझे दूसरी तरफ की मालूमात नहीं हो, ना तो पुलिस ने मुझे अभी तक बुलाया है ना बात हुई इस बारे में, अगर उन्होंने ऐसा कोई कंप्लेन की है तो। लेकिन उनका सीधा सीधा इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आपने फ़ोन करके उनको जो है डांटा है और जो बंदा गया है वो वहाँ पर आजकल फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है, आजकल सारे फ़ोनों में रिकॉर्डिंग हो गई है। अगर डाटा है, पहली बात है मैं किसी महिला से ज़ोर से आवाज़ में बात करने का मतलब, हमारी पैनल की है, कांग्रेस की है, गट नेता हूँ, और अगर कुछ अच्छी बात बोलने के लिए डांट दूँ तो बड़ा भाई की हैसियत से डांटूँ रास्ता सही बताने के लिए। अरे ये आरोप है कि आपने वो कार्रवाई में रुकावट डाली है? नहीं नहीं, कार्रवाई तो पालिका ने कर ली, रेलवे के प्रीमाइसिस में एक्चुअली वो रखी हुई, आप जाते हुए अगर आप देखोगे तो आप लोग देख लोगे कि एक्चुअली महापालिका के प्रीमाइसिस में ही नहीं है, महापालिका उस पर एक्चुअली कार्रवाई कर ही नहीं सकती, एक तो रेलवे की प्रीमाइसिस में, और वो आज से नहीं है। हमारे सामने अजीजिया मदरसा जो है वहाँ के जो मोतमिम थे बड़े इमाम मज़र आलम साहब, उन्होंने उस एक्चुअली एक हाफिज़ है जो कुछ काम काज करना चाह रहा था, थोड़ा सा दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है, तो लोग उससे परेशान थे, तो उन्होंने बोले बाबा इधर तो काम कुछ यहाँ पर वो कर ले, तो छोटा मोटा शायद मोबाइल कवर बेचने का काम वो कई सालों से कर रहा है, और वो रेलवे की प्रीमाइसिस में आज कम से कम 8 साल में, आज तक हमें तो, मैं इस प्रभाग का नगर सेवक पिछले 10 साल था, आज तक तो किसी ने कंप्लेंट नहीं की, ये एरिया के ही लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, इन्होंने तो किसी ने नहीं की कंप्लेंट, और अगर कंप्लेंट थी तो हम एक ही प्रभाग के नगर सेवक है, जाहिर सी बात है मेरे तक भी बात आनी चाहिए थी, उन्होंने कार्रवाई की अच्छी बात है महापालिका के माध्यम से की, महापालिका ने वो टपरी वापस क्यों दी ये आप महापालिका को पूछो, मैं कैसे बता सकता हूँ, उसने जाकर अगर कोई बदतमीजी की है उस आदमी ने जाकर तो उनका काम है, उसके नाम पर कंप्लेन करे जो भी करे वो उनका अपना अधिकार है। नहीं, उनका सीधा आरोप है कि आपके कहने पर उसने जाकर बदतमीजी की और जो पानी की जो टपरी है उतारी गई है वो भी आपके कहने पर उतारी गई है, ऐसा उनका सीधा आरोप? हमारे कहने पर करके लिए उतारेगा कोई, और उतारा नगर पालिका लेकर गई थी, और नगर पालिका ने अगर उसको वापस दिया है तो क्यों दिया नगर पालिका बता सकती, मैं नहीं बता सकता। एक अच्छा, ये जो भी विवाद है हाँ, तो ये आपके एक ही पैनल के नगर सेवक आ गया, तो ये मुझे कोई विवाद लगता नहीं है, कहीं ना कहीं में कुछ ना समझी हुई है, क्या इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप बन गया है, इसके वजह से हम बैठ के अपने आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमारे आपस की बात है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, चलता रहता है परिवार में नोक झोंक तो बनी है, एक घर में माँ बाप बेटे का नहीं चलता है साथ में, तो हम तो यार फिर भी पैनल के नगर सेवक है, हर आदमी का कुछ ना कुछ एक होता है, अब उन्होंने शायद तो इस बात को ज़्यादा जोर पकड़ा होगा उस बात का, ताकि ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, हमारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, हम आपस में बैठ के हम परिवार के लोग हैं, हम निपटा देंगे।